can take photographs. Huh? वही ट्विटर का कंट्रोवर्सी तू पूछ रही है ना पूछ ना नहीं नहीं ये बोल फोटोग्राफर थोड़ा थोड़ा लुक या लेफ्ट एक्सक्यूज मी लुक लेफ्ट Hold it. Do you all mind hold? Well, experience बहुत अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा कि now they want us to be on the second episode also. So now we were just thinking, I mean, say we have just managed our time, so we are going to go for the second episode also. You know, coming on couple show is always great. I'm amazed at the talent that him and his team have. और बहुत ही मजा आया और जैसे अकी भैया ने कहा कि इतना मजा आया कि they've invited us for another show, so we're going to be going back and doing another show. It's always great fun coming and doing a show with Kapil, and it's this is the first time I'm here on the Kapil Sharma show, so I'm glad to be here. Oh really? Yeah. Wow. You? Well, ever since it's been rechristened, it's my first time. Yeah, so it's always a great experience. I'm glad that we got to spend some time with him. Bas khatam. Last episode mein Aishwarya se badi gravity hai Sunil Grover ne yahan pe. Haan ji, sunne mein aaya hai. Haan, to kya badla lene wale hain humse? Ye aap dekh lijiye, jo hame karna tha, kar liya hai. Aap abhi dekhiye episode pe kya kya kiya hai. आ जाओ आना अरे कम आ जा सर एक सवाल मेरा आया इधर यहाँ यहाँ आके पूछिए आप सवाल एक सवाल मेरा जैसे हम लोग जम्मू पे जाते हैं बच्चन साहब से मुलाकात होती है संडे कम जैसे हमें बच्चन साहब को मिलना होता है तो हम लोग जुहू बंगलो के बाहर जाते हैं वो हाथ दिलाते हैं अगर आपसे मुलाकात करनी हो किस दरवाजे से आए I'm not racism. Why are you doing all this English? You know, you cannot walk English. You cannot talk English. It means you are not understanding my English. No, I'm not understanding what you're saying all the times. Okay, the Kapil show is inside, not outside. Last question, please. Actually, recently, जो controversy हुई थी Michael Khanna के साथ, तो आपको क्या लगता है वो housewife की three piece? Are you serious? This is the question. There's nothing like that. Let's go ahead. Okay, बहुत अच्छा लगता है आपके वो चिन्हों पर चल रहे हैं हमेशा माने नहीं जी वो अपने खुद का पाथ बनाते हैं Hey,
देखे हैं सिद्धि विनायक मोटर्स, हाँ यही छोड़ना है भाई। दानिश चलो भाई रोल है मैंने कभी लाइफ में इतने ये रियल है ना वेरी गुड। आखिरी पास्ता से आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा अगर कुछ बताना चाहिए? अभी इस वक्त तो आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है लेकिन एकदम ब्लॉक हो गया। हाँ ये थर्ड एडिशन है हाउसफुल का और मैं फर्स्ट में था सेकंड में था और थैंक गॉड आई एम इन द थर्ड। एक चंकी बर्दाश्त नहीं होता है, दो दो चंकी है इसमें। हाँ इसमें मैं एक कुक का किरदार कर रहा हूँ जहाँ मैं एक रेडी चलाता हूँ लंदन के रास्ते पे और कोई मेरा जुड़वा भाई है जो ज्योतिषी बन के घूम रहा है किधर लंदन में और हाँ डबल रोल है। फैंटास्टिक। अभी तक मैंने शुरू ही नहीं की उसके साथ शूटिंग लेकिन हाँ हम लोग ने लाफ्टर चैलेंज किया था बहुत साल पहले, दैट वाज अबाउट मुझे लगता है 7-8 साल हो गए अभी लाफ्टर चैलेंज करके और उसके बाद मैं पहली बार उनको मिल रहा हूँ सो आई थिंक इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। फर्स्ट टू में साजिद खान थे और इसमें साजिद फराद है। हाँ डिफरेंस तो है वो हर साल आई मीन हर एपिसोड में हाउसफुल बड़ा ही बनते जाता है, घर बड़ा ही बनते जाता है एंड ये वाला तो लाफ्टर राइट है। भाई डायरेक्शन का मैं डी भी नहीं जानता हूँ इसलिए कौन अच्छा कर रहा है। बोथ वेरी डिफरेंट। साजिद खान पिक्चर सेट पे बनाता है और साजिद फराद भाई बहुत होमवर्क करके बहुत प्लानिंग में करते हैं बेसिकली। बट इनके पीछे है साजिद नडियाडवाला का हाथ जो सबसे बड़ा हाथ है। बैडमैन करेक्ट। हाँ गुलशन रोडर को कोई मुर्गा मिला ही नहीं टू प्ले विलन ऑपोजिट हिम, बहुत ढूंढा उसने और फाइनली मेरा तो पुराना यार है बहुत फिल्में की साथ में और उसको बहुत तमन्ना थी कि मैंने जितना उसको कूटा है इतने पिक्चरों में इतना मारा है कि एक चांस उस एक मौका उसे दे दे के वो मेरी पिटाई करे तो मैंने बैडमैन पिक्चर की। मेरे से मैंने बैडमैन की, मैं बैडमैन हूँ और गुलशन ग्रोवर सैड मैन है। बाय हो गया। एक आईडी क्या रमजान और पैसे लगते हैं।